गाइस, आई होप यू गाइस आर स्टडीइंग हार्ड, क्योंकि आपका नया सेशन शुरू हुआ होगा। जो भी नाइन्थ क्लास वाले स्टूडेंट हैं और इलेवेंथ क्लास वाले हैं, उनको नाइन्थ क्लास वालों के लिए स्टार्टिंग हो रही है इस टॉपिक की, और जो इलेवेंथ वाले उनके लिए रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि विलियम क्रूक्स ने किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो इक्विपमेंट यूज किए थे उसका फायदा उठाया हमारे जे थॉमसन ने, और उन्होंने कैथोड रेज की स्टडी की, और जिस वजह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। ठीक है, तो मूव अभी हम उस चीज से आगे मूव करते हैं। ठीक है, अभी हमें अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है तो साइंटिस्ट का दिमाग आपस में दौड़ना शुरू हुआ, उन्होंने सोचा क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। तो डिस्कवरी स्टेप बाय स्टेप होती है, पहले एक चीज डिस्कवर होती है, फिर लोग उससे कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उससे नेक्स्ट चीज डिस्कवर होती है। ठीक है, तो इन दिस केस हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ जैसे ही, तो गोल्डस्टीन ने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, आप लोगों को पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए निगेटिव चार्ज के, अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर कैथोड रेज थी, उनमें पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, तो अभी क्या कैथोड रे क्या एक मटेरियल ही था ना, एक प्लेट ही थी जो कि किसी एलिमेंट से बनी होगी, मेटल से बनी होगी, और कोई भी मैटर है वो बना होता है एटम से। ठीक है, तो अगर एटम से कोई कैथोड रे निकल रही थी, उसमें इलेक्ट्रॉन था, पार्टिकल था, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्टिकल होगा। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डस्टीन के बारे में बात करेंगे। विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले फायदा उठाया जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर डाली, फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने इसका फायदा उठाया। अब ये देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज किया और बंदा आज तक फेमस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप भी ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई थ्योरी कोई दे रहा है तो आप भी उसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं हुआ क्या था। तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या था कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर एक कैथोड एक टर्मिनल रखा था जो कि मटेरियल था, और दूसरा एक टर्मिनल रखा था हमने एनोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज था जैसे कि इसमें भी है, और कैथोड जो मेरा निगेटिवली चार्ज था। हमने हाई वोल्टेज यूज की थी, लगभग 10,000 वोल्ट, और यहाँ पे जो हमने गैस ली थी वो बहुत ही लो प्रेशर पे थी, लो प्रेशर, ठीक है, 0.01 ऑफ मर्क्यूरी। ठीक, तो अभी क्या, अभी हमने डिस्कस, विलियम क्रूक ने ये डिस्कवरी की थी कि अगर किसी भी गैस को बहुत ही लो प्रेशर करते हैं और हाई वोल्टेज उससे पास करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो ये तो पुरानी बात थी, अभी नई बात में क्या क्या, बस गोल्डस्टीन ने सबसे ज्यादा बड़ा चेंज इसमें यही किया था, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट सेम है कि उसने जो कैथोड ली थी वो परफोरेटेड ली थी। ठीक है, परफोरेटेड का मतलब होल्स थे उसके अंदर। ठीक है, विलियम जे जे थॉमसन ने क्या किया, मतलब विलियम क्रूक और जे जे थॉमसन एक ही बात है, उन दोनों ने क्या थी, ये एकदम सॉलिड थी, इसमें कोई होल्स नहीं थे, लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस कैथोड के अंदर होल किए, इसको बोला उसने परफोरेटेड। ठीक है, जाली, ठीक है, नेट जो होता है एक तरह से वो ही लिया, एक तरह से उसमें होल थे। ठीक है, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन किया, यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं, जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज तो एज यूजुअल जैसे जाती थी वो जा रही थी, ग्रीन जो है वो कैथोड रेज है, वो कैथोड रेज निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी। ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की जो ब्लू है कि यहाँ से होते हुए कुछ रेज जो है इन होल से पास होके निकल रही थी। ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी कैथोड के रेज के। ठीक है, कैथोड रेज अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एनोड रेज आ रही थी। अब ये एनोड रेज ओरिजिन कहाँ हुई, ये इनका ओरिजिन होता है, इन दोनों की ये जो स्पेस है ना इसके बीच में इनका ओरिजिन होता है। अब आप ये मान के चलो कैथोड रेज कैथोड से ओरिजिनेट होती है और एनोड रेज एनोड से। ठीक है, तो उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि इनके अंदर मटीरियल होता है दोनों रेज के अंदर, कैथोड रेज के अंदर जो मटीरियल था वो आता था इलेक्ट्रॉन की रेज से। ठीक है, तो एनोड रेज के अंदर भी मटीरियल था, इसीलिए क्या होता है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है अगर ये जिंक और सल्फाइड की स्क्रीन पे उनको देखा जाए। ठीक है, और डेफिनेटली इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि बेसिक चीज है। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी डेफिनेटली। ठीक, तो अभी हमारे पास हुआ क्या, आप याद करो लास्ट जो एक्सपेरिमेंट था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, उसमें क्या था कि कैथोड से सिर्फ रेज निकल रही थी, तो
आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे एनोड रेज निकल रही थी या नहीं निकल रही थी? सोचने वाली बात है। जिन लोगों का आंसर यस है ठीक है, और जिन लोगों का आंसर नो है वो गलत है। ठीक है, उस टाइम पे भी एनोड रेज निकल रही थी, लेकिन हम उनको स्क्रीन पे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो स्ट्राइक हो जा रही थी हमारी किससे, ये जो कैथोड रेज थी, यहाँ पे होल्स नहीं थे विलियम जेजे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जैसे इसने होल किए तो ये रेज हमें ऑब्जर्व होती, मतलब दिखाई दी, हमने ऑब्जर्व की। ठीक, तो यही जो रेज थी इनको हमने बोला एनोड रेज, क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इनके अंदर जो पार्टिकल था वो पॉजिटिव चार्ज था, तो देखो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज तो हमें मिल गया, और एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसमें क्या था पॉजिटिव चार्ज था। जैसे क्यों, अब ये कैसे पता चला भाई पॉजिटिव चार्ज था, हमने क्या किया दो टर्मिनल बनाए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, फिर जब इन रेज को पास कराया तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ जाके बेंट हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियस अगर ये पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल ही करेगा ना पॉजिटिव को, और निगेटिव चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इससे हमें पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, और जब इन रेज की स्टडी की गई तो इनके अंदर जो पार्टिकल था वो था पॉजिटिव चार्ज, और जैसे हमने बोला प्रोटोन। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वैसे ही प्रोटोन की डिस्कवरी हुई, बस फर्क ये था कि जो कैथोड थी हमारी उसको हमने परफोरेटेड कैथोड बना दिया था। ठीक है, और इन रेज को एनोड रेज को हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा याद रखने वाली है, एनोड को हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। कैनाल क्यों, ये होल से निकल रही है, इसलिए होल, जो भी कोई कैनाल जो सुरंग होती है उसके अंदर होल होता है, इसीलिए हमने कैनाल रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज रेज थी, एनोड रेज थी, एनोड से ओरिजिनेट होती है, इनका डायरेक्शन क्या था कैथोड के जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये बात याद रखना कि जब आप इसको एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको कैथोड रेज भी दिखानी है और एनोड रेज भी दिखानी है, एनोड रेज का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा कैथोड रेज के। ठीक है, तो ये बातें हुई। अब इस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, तो हमने डिस्कवर कर लिया प्रोटोन भी यहाँ पे। ठीक है, किया किसने, गोल्डस्टीन ने, प्रोटोन की डिस्कवरी होगी, नाम भी गोल्डस्टीन ने दिया डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसके मोशन पे कंसंट्रेट करेंगे कि रेज, दोनों रेज का मोशन कैसा होता है। ठीक है, तो कैथोड रेज का स्ट्रेट लाइन और एनोड रेज का भी स्ट्रेट लाइन, ये बहुत सिंपल चीज है, दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी जब तक हमने कोई टर्मिनल नहीं बनाए, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कैथोड रेज क्या थी, वो पॉजिटिव की तरह बैंड हो गई थी, और एनोड रेज वो क्या, निगेटिव की तरह बैंड हो गई थी। ठीक, अभी दूसरी चीज क्या है, टाइप ऑफ चार्ज, दोनों पे चार्ज कैसा था। कैथोड रेज डिफ्लेक्शन बताया था हमने, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई थी तो ये निगेटिव चार्ज थी, और एनोड रेज जो थी हमारी डिफ्लेक्ट हुई निगेटिव की तरफ, तो उन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी चीज अब हम आते हैं पार्टिकल पे, उनके अंदर उनके, अब कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज क्योंकि कैथोड टर्मिनल था तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाए, और ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसको हमने बोला प्रोटॉन। ठीक, दूसरी ये चीज क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आप समझने की कोशिश करो, नहीं तो आने वाली वीडियोस में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मास, ई अपॉन एम करके एक रेशियो होता है, ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज को और एम होता है मास को। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना कैथोड में, उनका जो चार्ज और मास होता है वो हमेशा रेशियो सेम होता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है प्रोटॉन से, आप लोग आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, या मैं भी डिस्कस करूंगा इसे बाद में। ठीक है, और दूसरी चीज एनोड रेज में क्या था, द चार्ज ऑन पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम। ठीक है, वो कैसे, एंड द मास ऑफ द पार्टिकल इज नियरली सेम एज दैट ऑफ एटम ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने गैस ली है डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके मास के हिसाब से उसका चार्ज और मास का रेशियो होगा, तो जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी हिसाब से उसका चार्ज पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अभी हम बेरिलियम की अगर बात करते हैं या फिर किसी और एटम की, आप कैल्शियम को ले लो, कैल्शियम अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर टू पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर सिर्फ एच वन पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर दो टू चार्ज है, इस पर वन चार्ज है। ठीक है, अब तो डिपेंड क्या करेगा गैस पे, कि हमने कौन सी गैस यूज की, इसी वजह से उसका मास और इलेक्ट्रॉन रेशियो, चार्ज और मास रेशियो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको लेके आप कंफ्यूज मत हो, ये बाद में डिस्कस करूंगा मैं, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रे कहाँ से होता है। ठीक है, कैथोड रेज का ओरिजिन
आपको पता ही है कैथोड होता है और एनोड रे इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में एनोड से ही ओरिजिनेट होती थी क्योंकि वो पाथ इतना फॉलो कर रही थी और वो होल्स जाके निकलती है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, बस आप ये ध्यान रखो कि वो एनोड से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमें पता चला इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। अभी तक न्यूक्लियस का कुछ पता नहीं है, न्यूट्रॉन का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अभी साइंटिस्ट क्या होते थे, अपॉर्चुनिस्टिक होते थे बहुत ज्यादा, जैसे ही विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब, जे थॉमसन ने तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। और जैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तुरंत हमारे गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन डिस्कवर कर डाला, ठीक है। अब दोनों में से एक और फायदा उठाने वाला है, जे थॉमसन ने देखा कि जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ प्रोटोन हो गया, तो उसने सोचा कि जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, तो उसमें न्यूट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन निकल गए, बाकी कुछ तो ढूंढना है ही नहीं, तो उन्होंने तुरंत एक मॉडल दे डाला एटम का, कि एटम एक्चुअल में दिखता कैसा है, ठीक है। जो आज हम एटम का स्ट्रक्चर या मॉडल देखते हैं वो बाद में डिस्कवर हुआ था, पर जे थॉमसन ने मौके का फायदा उठाया और एक मॉडल दे डाला, जिस मॉडल को हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कस करने का, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, जैसे उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बोला कि एटम जो है देखने में ऐसा लगता है, यह है एक प्लम पुडिंग, पुडिंग एक तरह से केक, ठीक है, इसके अंदर ये रेजिन्स है, ठीक। तो उसने बोला कि एटम एक्चुअल में ऐसा दिखता है, और दूसरा इसका तरबूज देखा हो आपने, तरबूज से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सिंपली बोला कि एटम, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियस से अब तक न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस से अभी तक किसी को कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि अभी तक उसके बारे में बात ही नहीं हुई थी। तो जैसे हमने मौका देखा तुरंत एक मॉडल दे दिया कि जी एटम ऐसा होता है, ताकि उसे थोड़ा सा शायद नोबल वोबल मिल जाए, ठीक है। एनीवे, तो उन्होंने बोला क्या कि प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से क्या था कि ये जो जितना भी आपको रेड रेड एरिया दिख रहा है ना, ये सॉलिड वाला, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो ब्लू चीजें दिख रही हैं ये क्या था हमारा, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारा का सारा रेड वाला पॉजिटिव पुडिंग और ये नेगेटिव चार्ज, तरबूज के हिसाब से लेते, तरबूज के अंदर जितना भी वो रेड रेड एरिया होता था, उसने क्या बोला कि वो टोटल का टोटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके बीज हो गए, सीड्स जो हो गए, वो हमारे क्या हो गए, उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप लोग आज के मॉडल से कंपेयर करो कि कितनी बेवकूफ बात की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आज इसे पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्कवरी हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। तो जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, सोचा हम फेमस हो जाएंगे, एक्चुअल में फेमस हो गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, लेकिन बाद में ये मॉडल गलत हो गया, जैसे ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अभी हम उनके इसके जे जे थॉमसन के तीन स्टेटमेंट और थे, जरा उनको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा जे जे थॉमसन ने क्या बोला था। उसने ये बोला था कि एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्फीयर ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, अगर गवार भाषा में बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक स्फीयर है, जैसे कि तरबूज ले लो, तरबूज पूरी तरह से स्फीयर नहीं होता, कोई कोई होता है, तो पूरा का पूरा जो है ना एटम जो है एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, कहने का मतलब तरबूज का जितना भी खाने वाला पार्ट है वो एटम है, और उसके बीज जो है उसके अंदर भरे हुए हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोली क्या कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, जो कि हमेशा होता है जब अगर कोई चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये चीज जरा ध्यान रखना, फिजिक्स में बहुत काम देने वाली होगी आपको, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, मास ऑफ एन एटम इज कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या, एक बलून लो उसके अंदर पूरा पानी भर दो तो पानी उसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बलून पूरा फैलाया और उसके अंदर पानी कम भरा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तरबूज ऐसा नहीं है कि तरबूज के एक सेक्शन में एक पार्ट में पूरा का पूरा रेड खाने वाला पार्ट होता है और बीज दूसरी साइड होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है रेड वाला पार्ट और बीज उसमें बीच बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको, इससे ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमारी ये बात हो गई खत्म। तो अभी हमने टॉपिक क्या क्या डिस्कस किए, इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद हमें पता चला कि एनोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट होती है,
फिर उसके बाद हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जैसे ही हमने एनोड्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि कैथोड परफोरेटेड सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली, बस उसमें एनोड की जगह पे सॉरी कैथोड की जगह पे परफोरेटेड कैथोड ली गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिर्फ ये डिफरेंस था। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस तो जा ही रही थी, लेकिन कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेस भी जा रही थी, जिससे कि हमें पता चला कि एनोड से भी कोई रेस जो है ओरिजिनेट होती है। इनको कैनल रेस भी बोलते हैं। और जब इनकी इनके अंदर एक माइन्यूट पार्टिकल होता जिसे जब स्टडी किया गया तो वो प्रोटोन निकला। ठीक है, और जैसी प्रोटोन की डिस्कवरी हुई, जेजे थॉमसन ने प्लम्पिंग मॉडल दे दिया। ठीक है, इसकी सारी रेस की प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम प्लम्पिंग मॉडल तक भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रदरफोर्ड का न्यूक्लियस, और जैसी न्यूक्लियर डिस्कवर हो जाएगा उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे जैसे एटम हुआ, फिर उसके बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्लम्पिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगे कुछ कि हाँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। ठीक है, और शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताओ कि एक कोई भाई साहब हैं जो बिल्कुल गवार भाषा में पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से और अच्छे मार्क्स लाओगे। हैव ए गुड डे।